हाय माय डियर एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी लव रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, आपकी आपके पार्टनर की थिंकिंग क्या है, और आप लोगों के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स क्या है इस रिश्ते को लेकर के, और गाइडेंस क्या आती है इस रिश्ते के लिए, और ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा। मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत समय के बाद मैं ये लव रीडिंग कर रही हूँ, तो प्लीज़ ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, राइट? ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव में आ रही है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिए जो आपसे रेजोनेट हो, अगर हो रही है तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए, क्योंकि ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। गाइडेंस उसी पे जाएगी या ये मैसेज उन्हीं के लिए होंगे जिनकी एनर्जीज इसमें आ रही हैं, ठीक है? तो अपने आप को ओपन रखिए और जो चीज़ें रेजोनेट हो वही लें, अगर नहीं हो तो ना दें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। एरीज, मेष राशि, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अनकंडीशनल लव, एंगेजमेंट, ओके, stay optimistic about your love life. Make the effort. Talk. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, न्यू लव, ओके, लेट्स सी मोर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स शफल करने में और ओपन करने में टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है? आपके पास वो ऑप्शन है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इन्जॉय कर सकते हैं। जजमेंट, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, Six of Cups, Lovers, ओके, ये नहीं ले रही मैं क्योंकि मुझे शफलिंग करनी अच्छे से। Empress, wow, beautiful energies. Okay, bottom of the deck है यहाँ पे two of wands. Aries, my dear. सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, जिस भी पर्सन से, ये एक रिलेशनशिप रीडिंग है, ठीक है? एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ लव, ये सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, ये जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी उनके लिए ये रीडिंग है। पहली बात आपके लिए कि आप लोगों का रिलेशनशिप इस जन्म का तो है नहीं सिर्फ,
ठीक है, आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो पास्ट लाइफ का है, ठीक है, यहाँ पर आ गया है, आप इस जन्म से नहीं पिछले जन्मों से ही जानते हो और यहाँ एक दूसरे को, ठीक है, और ऐसी फीलिंग भी आपको हुई होगी एक दूसरे को देख करके, राइट। यहाँ पर एक कार्ड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास तीन तीन कार्ड्स हैं इस बात को जो दोहरा रहे हैं, जजमेंट, सिक्स ऑफ कप्स और यहाँ पर तो लिटरली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड है। और एक बात आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों का एक दूसरे के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स में यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं। डिस्ट्रैक्शंस मुझे ज़्यादातर आपकी तरफ से नज़र आ रही हैं, मे बी कोई भी कोई सेकंड ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो आपकी लाइफ में कोई अदर पर्सन आपके नॉलेज में आ सकता है, या फिर स्पेसिफिकली करियर को लेकर के हो सकता है, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, ये जर्नल रीडिंग है। तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस मुझे यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही हैं, और जिस वजह से कि आप आपके अंदर भी इस रिश्ते को लेकर के ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि लव नहीं है, अनकंडीशनल लव है, आप बहुत बेइंतहा अपने पार्टनर से प्यार करते हो, लेकिन पूरी तरीके से दिखाते नहीं हो, जताते नहीं हो, या पूरी तरीके से समय नहीं दे पा रहे हो, मतलब गुस्सा बहुत करते हो आप, जो भी आपके जो वर्डिंग्स होती हैं ना, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जो जितना प्यार आपके अंदर है ना, लेकिन आपके वर्ड्स में वो चीज़ें दिखती नहीं हैं, ठीक है, आपके वर्ड्स के थ्रू वो चीज़ें उतनी अच्छी या फिर उतना प्यार नहीं दिखता। मे बी आप लोग या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स को यूज़ करते हो, या आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, और अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो प्लीज़ ये बात सुनने के लिए रेडी रहिए कि आपकी तरफ से ज़्यादा होती है, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और बड़ी जल्दी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बोल देते हो। लेकिन अगर आपकी अगर हस्बैंड बोल रही थी, ऑब्वियस है कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ पार्टनर जो भी है, पार्टनर कह लीजिए जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं बेसिकली, अगर बात करी जाए उनकी, तो माय डियर वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ठीक है, और अंगी इंगेजमेंट की यहाँ पर एनर्जीज है, वो आपके साथ अपने प्यार को और बढ़ाना चाहते हैं। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये जो भी सिचुएशन है ना, चाहे आप जितना मर्जी उनको डांटते हो, फटकारते हो, एक कंट्रोलिंग एनर्जीज हो, या फिर बहुत हार्श वर्ड्स को आप यूज़ करते होंगे, लेकिन उनका आपको लेकर के वो प्यार कम होता हुआ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वो आपसे बेइंतहा यहाँ पर प्यार करते हैं और आपके साथ अपने इस रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ठीक है, और आप अपने आपके साथ इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अगर आप लोग अभी सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं है कब, तो फिर आपके साथ वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस, बेसिकली रेडी कोई एक पर्सन नहीं है अभी, वो पर्सन मुझे ज़्यादा आप लग रहे हैं, आप वो आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप उनको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपका फोकस अभी, आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार नहीं हो, आपके पास अभी सेकंड ऑप्शन है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हो या फिर उसके बारे में भी सोच रहे हो, बेसिकली डिस्ट्रैक्शन है आप लोगों के लव में यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप इस समय कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकते हो इस सिचुएशन को लेकर के, पूरी तरीके से फोकस नहीं हो, लेकिन डेफिनेटली फॉर श्योर आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ पूरी तरीके से फोकस्ड हैं, आपसे आपको लेकर के उनका लव बहुत प्योर है। और मैं आपकी तरफ से नहीं बोल रही, लेकिन यहाँ ऑप्शन कहने का मतलब, अगर सेकंड ऑप्शन को लेकर के बात की जाए, अगर ये कोई पर्सन है तो आप बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हो उस पर्सन की तरफ, और अगर करियर है तो करियर ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा हो सकते हो। तो बेसिकली आप जो है ना पूरी तरीके से उस इस रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे रहे हो, ना ही पूरी तरह पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इस में अपना पूरा, जिसे कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक, मेंटेन करना, क्योंकि उनकी तरफ से तो दिया जा रहा है, कमी आपकी तरफ से मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि सीधी सी बात है। अभी जिन लोगों के लिए है वो लें, जिनके लिए नहीं है वो ना लें, क्योंकि यहाँ मैं फेस टू फेस तो रीडिंग कर नहीं रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको गाइडेंस लेनी है तो लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, यस 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 माय डियर, यहाँ पर देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक भी, यहाँ पे न्यू लव आया, अ न्यू पर्सन हैज स्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स, तो येस यहाँ पर कोई एक नया पर्सन या फिर कोई सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री हुई है या तो, ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में जो मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेकंड पर्सन है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका करियर भी हो सकता है या कोई कुछ भी हो सकता है। तो आप अभी पूरी तरीके से इसमें अपना 100% नहीं दे रहे हो, ठीक है,
और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी क्या है, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्दी टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको जैसे एक बच्चे को माँ नर्चर करती है ना, आपको इस रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है। क्योंकि माय डियर, ये रिलेशनशिप जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जिसके लिए या आप रीडिंग देख रहे हो ना, इस लाइफ टाइम का रिलेशनशिप वो नहीं है। और ये पर्सन आपसे एक ट्रू लव करता है और पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है आप लोगों का। और यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही हैं कि आप लोग पिछले जन्म में एक दूसरे से मिले नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की ऊर्जा है जो कि यहाँ पर बता रही है कि डिवाइन ने इस बार आपको यहाँ पर सेकंड चांस दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर दूसरा चांस मिला है इस रिलेशनशिप को डेवलप करने का, आगे बढ़ने का। और अब वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो कमी जो आ रही है, आपको बोला जा रहा है आपको इस रिलेशनशिप को नर्चर करने की ज़रूरत है, अपना वो प्यार देने की ज़रूरत है। जैसे हम एक पौधे को पानी देते हैं, प्यार देते हैं, धूप हवा सब देते हैं, ठीक है, उसकी केयर करते हैं तो वो बढ़ता है ना, उतनी ही केयर आपको इस रिलेशनशिप में देनी है। अपने वर्ड्स के साथ अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना, उसकी केयर करना, उसके लिए सोचना, मतलब नर्चरिंग क्या हो गया एक रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करना। तो बेसिकली आपको वो सब यहाँ पर करने की ज़रूरत है। मेक द एफर्ट की भी एनर्जीज है यहाँ पे, और यहाँ पे एम्प्रेस की भी ऊर्जा है। तो ये रिलेशनशिप आगे ग्रो तभी कर पाएगा, तभी करेगा जब आप इसे नर्चर करोगे। और आपको ये करना भी है क्योंकि इस आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है, ठीक है, विद द एम्प्रेस कार्ड। और यहाँ पर अगर बात करें आउटकम की, तो टॉकिंग है कि टॉकिंग कीप योर रिलेशनशिप अलाइव। मे बी आप बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे अपने या तो अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर आप बातचीत बहुत कम करना पसंद करते हैं, या फिर बातचीत करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, या जो भी इशूज़ हैं आप जानबूझ के नहीं करते, या ये कोई भी इशू है, ठीक है। मेरी रीडिंग्स थोड़ी क्लियर कट होती हैं, आई एम सो सॉरी, ठीक है, उसके लिए रेडी रहिए अगर आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना आप अच्छे से और डीपली बात करोगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बेसिकली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना, समय बिताना, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल एक दूसरे के साथ स्पेंड करना, एक अच्छे माहौल में रहना, वो आपके रिलेशनशिप को ज़िंदा कर देगा। अगर इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ है नहीं, वन साइडेड रिलेशनशिप चल रहा है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके एफर्ट्स इसमें और जान डाल देंगे, क्योंकि आउटकम यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लोग मेड फॉर ईच अदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल फैमिली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ज़रूरत है तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की, थोड़ा एफर्ट्स अच्छे देने की, अपना 100% देखने की, इक्वल गिव एंड टेक करने की, और अपनी तरफ से एक आपको एक एक मदरली एनर्जीज होती है ना, मदर की भूमिका, वो क्या करती है, वो देखती है कि उसके बच्चे को कितनी केयर की ज़रूरत है। तो बेसिकली आपको इस रिलेशनशिप को एज अ मदर होकर के देखने की ज़रूरत है कि यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे उस इस एनर्जीज़ को, उस सिचुएशन को हील करके आगे बढ़ना है, वहाँ मुझे मेरे एफर्ट्स लगाने हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ब्लॉसम होगा। क्योंकि ये आपका जो है ओवरऑल आउटकम है आपके रिलेशनशिप का। तो जितना आप इस रिलेशनशिप में अपना दोगे, उतने ही उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं करते तो फिर पता नहीं, क्योंकि उसकी रीडिंग मैंने नहीं करी है, ठीक है। तो जो भी है, ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिश्ता मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर। तो प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए अगर आपसे ये रीडिंग जो है रेजोनेट हो रही है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।